हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम PSL के बकिया मैचेस की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। इनका 15वां मैच, पहले तो 14 मैच हो चुके हैं मगर अब इनका स्टार्ट 15 मैच से होगा। इसके हम स्क्वाड, वेन्यूज, हेड टू हेड के साथ साथ इनके स्टेडियम के अब ये कहाँ खेला जाएगा इसकी डिटेल इस वीडियो में लाजमी दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। सबसे पहले हम इनके शेड्यूल की तरफ चलते हैं। इनका ये 15वां मैच 9 जून को खेला जाएगा जो कि रात के 9 PM पे स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम इसके स्टेडियम की तरफ चलते हैं तो ये शेख जायद स्टेडियम पे खेला जाएगा जो कि अबू धाबी में है। अब हम इनके हेड टू रिकॉर्ड की तरफ चलते हैं। इनके टोटल मैचेस 10 हुए हैं जिसमें से लाहौर कलंदर ने 2 मैचेस विन किए हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 8 मैचेस विन किए हैं। अगर हम इनके एवरेज रन की तरफ चलते हैं, लाहौर के एवरेज 157 हैं जबकि इस्लामाबाद के एवरेज 170 हैं। अगर हम इनके मैक्सिमम रन्स की बात करते हैं, लाहौर के मैक्सिमम रन 199 हैं जबकि इस्लामाबाद के मैक्सिमम 238 हैं। अगर हम इनके मिनिमम रन्स की बात करते हैं 121 हैं दोनों के। और ये था इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड जिससे हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कितने पानी में है। अब हम दोनों टीमों के बेस्ट प्लेयर की लिस्ट को देखेंगे। सबसे पहले हम लाहौर के प्लेयर्स को देखते हैं। फ़खर जमान, मोहम्मद जैद आलम। अब हम इनके ऑलराउंडर देखते हैं। सुहेल अख्तर, मोहम्मद हफीज़, जो डैनले, डेविड वाइज, टॉम एबेल, समित पटेल और आगा सलमान, ये सब लाहौर कलंदर टीम के ऑलराउंडर हैं। अब हम लाहौर कलंदर के विकेट कीपर देखेंगे। बेन डंक, ईशान अशरफ, मोहम्मद फैजान। चलें अब इनके बॉलर की तरफ नज़र डालते हैं। राशिद खान, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, दिलबर हुसैन और माज खान, ये सब इस टीम के बॉलर हैं। और ये थे लाहौर के बेस्ट प्लेयर के लिए। अब हम इस्लामाबाद यूनाइटेड के बेस्ट प्लेयर की लिस्ट को देखेंगे। सबसे पहले हम इनके बैट्समैन को देखते हैं। एलेक्स हेलिक्स, सलीफ साल्ट, आसिफ अली। अब हम इनके ऑलराउंडर को देखते हैं। कोलन मेंड्रो, हुसैन तलत, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान जो कि इस टीम के कैप्टन भी हैं, लेविस ग्रेगरी, फहीम अशरफ, आकिफ जवेद, मोहम्मद वसीम। अब हम इनके बॉलर पर नजर डालते हैं। हसन अली, मोहम्मद मूसा, जफर गोहर, रीसे टोपले, अहमद सफी अब्दुल्ला और क्रिस जॉर्डन हैं। और ये थे इस्लामाबाद के प्लेयर्स के नाम। आप PSL के बाकी मैचेस किस वेबसाइट पर और टीवी चैनल पर देख सकते हैं अब आपको ये बताता हूँ। एक वेबसाइट जो कि INDVSPARKS.COM है, इस पर जाकर आप लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। अगर आप टीवी चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो पाकिस्तान के लोगों के लिए PTV Sport, 10 Sports, इंडिया के लोगों के लिए हॉटस्टार ऐप, बांग्लादेश के लोगों के लिए गाजी TV और US के लोगों के लिए विलो TV का इंतखाब बेस्ट रहेगा। अगर हम इनके प्रेडिक्शन की बात करते हैं तो हेड टू रिकॉर्ड के मुताबिक और इनके बेस्ट प्लेयर्स के मुताबिक और इनकी पिछली परफॉर्मेंस के मुताबिक इस्लामाबाद यूनाइटेड आगे रही है, तो ये मैच भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ही जीतेगी हमें ऐसा उम्मीद है। आपकी नज़र में मैच कौन सी टीम जीतेगी हमें कमेंट सेक्शन पर लाजमी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें।